देखिए div mod नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में प्री डिफाइंड, ठीक है। तो ये कैसे यूज होगा? अब div का मतलब होता है डिवाइड करने पर जो आपका कोटेंस आता है वो आपका जो है div फंक्शन वर्क करता है, और mod क्या करता है जो रिमाइंडर आता है वो बताता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं div, फिर लिखता हूं mod, ब्रैकेट को ओपन करता हूं। अब मान लीजिए कि आपको 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? दो बार में जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दो बार में डिवाइड होगा, और दो बार में जो डिवाइड होगा तो वो div हो जाएगा, और mod क्या बचेगा? तो दो बार में डिवाइड होगा और mod बचेगा 1, तो 2,1 इसका आंसर आएगा, देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर मैं div mod लगा रहा हूं, div फिर यहां लिखा mod, और फिर मान लीजिए यहां 7 है और यहां है 3, तो 3 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 होगा, यानी div तो आपका 2 आ जाएगा लेकिन mod क्या आएगा? 1 आएगा, तो फिर यहां 2 1 आएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से ये चलेगा। अब देखिए यहां पर चेंज कर रहा हूं, यहां पे फिर लिखता हूं div mod, और यहां पर चेंजेस है। यहां देखिए ये 7 है और यहां पे मैं क्या करता हूं 2 रख देता हूं, ठीक है। तो 7 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन रिमाइंडर तो बचेगा कुछ ना कुछ, तो 2 3 या 6 हो जाएगा, यानी 3 और 1 आना चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचेगा और 3 टाइम में जाएगा, तो 3, 1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है div mod, ठीक है।